आसाराम बापू यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पॅरोल किंवा जामिनीवर सोडावे यासह त्यांना योग्य आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी श्री योग वेदांत सेवा समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर या मागणीचे निवेदन श्री योग वेदांत सेवा समितीच्या वतीने खासदार नवनीत राणासह जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनाची प्रत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राजस्थानचे मुख्यमंत्री, गुजरातचे मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आली आहे. 86 वर्षीय संत श्री आसारामजी बापू एका खोट्या आणि बनावट खटल्यात जवळपास 11 वर्षांपासून राजस्थानच्या जोधपूर सेंट्रल जेलमध्ये आहेत. 13 जानेवारी 2024 तब्येत गंभीर झाल्याने बापूंना सोडा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. इतने दूर दूर से जब साधक आए हैं पूरे जिले से और जिले के बाहर से भी आए, तो केवल नहीं क्षमा कर हर कैदी का, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज क्यों ना हो जाए, उसे हर कैदी को, मतलब जो भी कैदी, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूर्ण अधिकार है कि उनको न्याय मिले, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले. पर बापूजी का जो केस है, बापूजी के खिलाफ जो केस चल रही है, वो अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है अपील, फिर भी उनको पैरोल नहीं दी जाती, तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है. हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे बाहर आ जाते हैं कि जो नहीं आने चाहिए. अभी किसी का नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को. लेकिन बापूजी जैसे संत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए लगा दिया, न केवल सनातन धर्म बल्कि सबका मंगल, सबका भला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने बापू जी को माना है, क्योंकि बापू जी ने सब में राम को देखा है और सबको सिखाया है कि सब में राम है करके. तो ऐसे महान संत के साथ यदि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो यहाँ जो भी उपस्थित है, चाहे वो बापू जी के साधक हो ना हो, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी आवाज को बुलंद करिए. न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो. आज यहाँ अमरावती, बठेरा, अचलपुर, भरतवाड़ा, धारणी, मोर्सी, तुसा, कारंजा, धार, इतने जगह से कई, मतलब बापूजी के साधक यहाँ उपस्थित है. माताएं, बहनें, भाई, छोटे छोटे बच्चे भी है. एक घंटे से हम इसलिए यहाँ खड़े कि हमारी मांग है कि बापूजी को अभी न्याय मिलना चाहिए. 10 वर्ष से अधिक समय हो गया, 10.5 वर्ष बापूजी को जेल में हो गए. हाँ, कोई 10.5 साल, मतलब 11 साल हो गए. तो 11 साल से बापूजी जेल में है और उनको ना बेल दी गई, ना पैरोल दी गई, और अभी क्रिटिकल कंडीशन है. अभी जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में बापू जी एडमिट है. तो जो रिपोर्ट है जोधपुर हॉस्पिटल का, उसमें यह कहा गया है कि बापू जी हाई रिस्क पेशेंट है, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. और उस हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं है. उस हॉस्पिटल खुद कह रहा है, स्वयं कह रहा है कि आप बापू जी को ट्रीटमेंट अच्छी मिले तो ये होनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए. तो वो भी उनको नहीं मिल रही है. सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की अपील खारिज होती है तो उसका वो फंडामेंटल राइट है उस कैदी का कि उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. लेकिन बापू जी का तो हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है केस, उनको नहीं मिल रहे हैं, उनको ना ट्रीटमेंट मिल रहे हैं. 3 दिन ब्लॉकेज है, 90%, 99%, 75% से 3 ब्लॉकेज है. अल्सर है, उनको ब्लीडिंग हो रहा है, हीमोग्लोबिन 3.7 पे आ गया था बापू जी का. तो ऐसे हालात में भी यदि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, आज हमारे अरविंद महाराज जी भी हैं हमारे साथ, ये भागवत कथाकार है, देखिए उनकी भी कितनी तड़प, वो इतनी दूर से चल कर आए कि नहीं आज हम अपनी बात रखेंगे.
हमारे सिर्फ भाई नहीं माता है सब, उसके लिए आपके पास मतलब हमारा आपसे निवेदन यही है कि अभी ये मुद्दा उठना चाहिए, ये आवाज़ उठनी चाहिए। और यार हर जिले में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, और हमें तो आपसे उम्मीद अधिक है क्योंकि आप बहुत प्रखरता से और दबंगई से हर मुद्दा रखते हैं संसद में, संस्कृति के लिए काम करते हैं, इसलिए हमको भरोसा कि आप पहली बार दे रहे हैं अपने अमरावती। अभी आप और आप भी अभी संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे इन्होंने जी। मुझे दे दीजिए आपका निवेदन, बोलना क्या है निवेदन दे दीजिए। के द्वारा प्रमाणित साक्षी संसद दो महीने तीन महीने के बाद पार्लियामेंट जो नया पार्लियामेंट का उसके बाद हम क्या कर सकते हैं तो एक दिन में आचार संहिता जितना होगा मैं जरूर करूँगी, आप चिंता मत करिए। हमको भी लगता है कि अगर उनको हाँ माझ्याकडनं जेवढं होईल ना ताई थोडं मी नक्की करेन, जितना मुझसे होगा मैं जरूर प्रयत्न करूँगी कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी वो ट्रीटमेंट अपेक्षा रखते हैं बापू, वो ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए। आपको और मुझे नहीं पता पर बापू को जो ट्रीटमेंट लगती है कोर्ट ने उन्हें जरूर परमिट करना चाहिए, उसके लिए मुझसे जितना होगा मैं जरूर बापू जी ने शुरू किया है 2006 में मातृ पितृ पूजन दिवस, और ये तुलसी पूजन के भी प्रोग्राम बापू जी ने शुरू करवाया है। आज सभी स्कूलों में भी जो मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, सभी स्कूलों में भी आप लोग कार्यक्रम करते हैं, वो सब बापू जी की प्रेरणा से ही। पूरी क्लीन चिट बापू जी को मीडिया रिपोर्ट में मिली है, उसको भी नजरअंदाज किया गया, और जिस समय की ये घटना तथाकथित बताई जा रही है 15 अगस्त 2013 की, उस समय बापू जी किसी मंगनी के कार्यक्रम में थे, उसके फोटो भी दिए, इसमें भी है उस किताब में। अभी जो तो इतना सा है, और हिंदू संस्कृति के लिए ही आवाज उठाया है ना उन्होंने, और जो कॉल की मांग तो पूरी होनी चाहिए ना। और जो कॉल डिटेल है लड़की की, उस समय वो मतलब जो उसके कॉल चल रहे थे बापू, जो घटना के समय मतलब तथाकथित घटना के समय, तो कॉल डिटेल भी जांच अधिकारी द्वारा 13 से 16 अगस्त तक की गायब कर दी गई, पूरे अगस्त महीने की दी है, लेकिन पूरे उसमें की कॉल डिटेल उतने दिन की गायब कर दी गई। ये क्यों गायब की गई, यानी सारे प्रूफ क्यों जानबूझकर, मतलब इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है। गुजरात केस में आरोप जो लगे 12 साल के बाद बताया जा रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, 12 साल पहले ऐसा हुआ, 12 साल के बाद कभी जीरो एफआईआर होती है, जीरो एफआईआर हुई है सूरत गुजरात केस में, अहमदाबाद से सूरत आती है, सूरत में जीरो एफआईआर हो रही है, तो इन्हें कितना ये अन्याय इतना बड़ा हो रहा है मतलब बापू जी के साथ। जोधपुर में हुआ है और वहाँ पर रिपोर्ट दिल्ली में लिखाई जा रही है। तो ये हमारा मतलब यही था कि इसमें जो इतने बड़े मतलब इसमें तो षड्यंत्र में तो बहुत कुछ विदेशी मिशनरी वगैरह वगैरह सब है, लेकिन कहीं राजनीति भी इसमें कुछ हो सकता है क्या, आपको क्या लगता है इसमें कि राजनीति के लिए इसमें कोई आपका नजरिया क्या, आपका क्या मतलब विचार है? नहीं नहीं मैं आपको इतना ही पूछ सकती हूँ कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट जम है, मुझसे जितना होगा
आप आए भी शायद ये पॉसिबल भी था, बट अब जो मुझसे होगा मैं उतना जरूर प्रयत्न। इसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन नवनीत जी आपको याद दिला दूं, लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व महिला दिवस का दिन था, मार्च 8 मार्च, तो सब बहनें भी आई थी, मैं भी साथ में था, हम आए थे, आपसे मिले थे, ये विषय भी आपके पास हमने उस समय रखा था।